योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रही है, तो वहीं दबंग माफिया आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के बड़ा गांव का है, जहां बड़ा गांव प्रधान देवेंद्र पचौरी ने सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर ही कई सालों से कब्जा जमा रखा है, लेकिन तहसील सहावर के राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यहां राजस्व अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि माफिया के चारागाह के अलावा नई पट्टी की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसमें अभी गेहूं की फसल खड़ी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन उक्त माफिया पर क्या कार्यवाही करता है या माफिया के सामने बौना बना रहता है। अनिल कुमार जी, जो मामला बता रहे हैं, क्या है पूरा? ये देवेंद्र प्रधान है बड़े गांव कोटरा का, ये जबरन जमीन पर कब्जा करे हुए है। सरकारी जमीन है, चराखा जमीन है और नई पट्टी है, उसमें करीब 150 से 200 बीघा में गेहूँ बैल हो जाने और बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई है सरकारी, और जबरन है ये गुंडागर्दी के बल से। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील सहावर पड़ती है। क्या अधिकारियों को आपने बताया है? हाँ, अधिकारियों को बताओ हमने, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबरन ये माल खा रहा है बहुत दिन से, ये कोई यानी कोई इसमें दीक्षा नहीं ले रहा है, ये तो बहुत मामला है। जमीन इंक्वायरी कर ली जाए, देख ली जाए। और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।